छत्तीसगढ़ में चुनावी साल जनता के सामने हिंदुत्व पर बड़ा सवाल लेकर आया है। वोटर्स के सामने इस बार सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी हिंदुत्व की अपनी परिभाषा लेकर जाने की तैयारी में है। कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया है कि हिंदुत्व बीजेपी की बपौती नहीं। हिंदुत्व की जो परिभाषा बीजेपी करना चाहती है वो हिंदुत्व नहीं बल्कि कांग्रेस हमेशा से हिंदुत्व के रास्ते पर ही रही है। चुनाव से पहले तेरा हिंदुत्व मेरा हिंदुत्व की गूंज सुनाई देने लगी। चुनावी साल में हिंदुत्व का सवाल सियासी दलों के एजेंडे में सबसे ऊपर नजर आ रहा है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो एक तरफ जहां बीजेपी का हिंदुत्व राग है वहीं कांग्रेस भी हिंदुत्व के रास्ते पर बढ़ चली है। रायपुर में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से हिंदुत्व के रास्ते पर ही रही। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हिंदुत्व के नाम पर लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी ने धर्म के नाम पर धंधा किया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व पर केवल बीजेपी का अधिकार नहीं है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि महात्मा गांधी से बड़ा हिंदू कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रही है। बीजेपी ने हिंदुत्व और हिंदुत्व धर्म के नाम पर धंधा किया है। जो विश्व बंधुत्व का उद्घोष वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र और सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना पर करता है वह हिंदुत्व कांग्रेस की बुनियाद में रहा है और छत्तीसगढ़ में आज भी उसको देखा जा सकता है। इसलिए ये कहना कि हिंदुत्व पर केवल भाजपा का अधिकार है, मुझे लगता है इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता। उधर विश्व हिंदू परिषद की बैठक रायपुर में चल रही है। बीजेपी के साथ साथ वीएचपी भी सरकार को घेरने की बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। एजेंडा धर्मांतरण, लव जिहाद, गौहत्या और मंदिरों पर सरकारी कंट्रोल जैसे मुद्दों को लेकर वीएचपी ने अभियान चलाने का फैसला लिया है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद की सबसे बड़ी योजना बजरंग दल की शौर्य यात्रा के जरिए हिंदुत्व का अलख जगाने की है। 15 अक्टूबर तक सारे देश में बजरंग दल बड़ी शौर्य यात्राएं निकालेगा। ये शौर्य यात्राएं प्रांत के स्तर पर मुख्यतः होंगी, कहीं कहीं विभाग के स्तर पर होंगी और भारत के जितने ब्लॉक्स हैं, प्रखंड हैं, उन सब ब्लॉक्स तक ये शौर्य यात्राएं जाएंगी। कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ने की बात तो होती रहती है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हिंदुत्व सॉफ्ट या हार्ड नहीं होता, हिंदुत्व तो हिंदुत्व होता है और कांग्रेस का रास्ता ही हिंदुत्व है। माना जा रहा है बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे का काउंटर करने के लिए अब कांग्रेस ने भी अपनी अलग परिभाषा के तहत खुद को हिंदुत्व का पुरोधा बताना शुरू कर दिया। बहरहाल देखना होगा कि इसका चुनावी फायदा कितना मिलता है। युगल तिवारी और तनु वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, News18 रायपुर। चलिए अब बात करते हैं उस जीत की जिसने भारतीय क्रिकेट को नई दिशा दी। बात उस जीत की जिसने दुनिया ने देखी भारत की ताकत। बात उस जीत की जिस पर हर भारतीय को गर्व है। तिरासी की कहानी 40 साल पुरानी, उस कामयाबी के 4 दशक जब दुनिया ने देखी भारत की धमक। June 25, 1983 इंग्लैंड लॉर्ड्स का मैदान, विश्व कप का फाइनल मुकाबला भारत बनाम वेस्ट इंडीज। भारतीय क्रिकेट के लिए आज का दिन बेहद खास है, या यूं कहें कि आज के ही दिन से भारतीय क्रिकेट के एक नए युग की शुरुआत हुई थी। आज से 40 साल पहले आज ही के दिन यानी 25 जून 1983 को टीम इंडिया ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत ने दुनिया को चौंकाते हुए वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ऐसा खेली कि फाइनल मुकाबले में विश्व विजेता वेस्टइंडीज को हराकर वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया।
ये जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि वेस्ट इंडीज को हराना वो भी फाइनल में उस दौर में सबसे कठिन काम था, क्योंकि उस समय वर्ल्ड क्रिकेट पर वेस्ट इंडीज का दबदबा था। कपिल देव किरण बाकुरो ने उस कैरेबियाई टीम को फाइनल में मात दी थी जो दो वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और लगातार तीसरी बार फाइनल खेल रही थी। उस समय वेस्टइंडीज गेंदबाजों का इतना खौफ था कि बल्लेबाज इन खतरनाक गेंदबाजों के सामने आने से घबराते थे। उस दौर में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की तूती बोलती थी और उनका सामना कर पाना बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए मुश्किल था। भारतीय टीम जब वर्ल्ड कप खेलने इंग्लैंड पहुंची तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये टीम इतिहास रच देगी। हालांकि टीम इंडिया के कप्तान कपिल देव को अपनी टीम पर पूरा भरोसा था। इस टूर्नामेंट में भारत भले ही किसी भी हैसियत से नहीं उतरा था, लेकिन विश्व कप जीत कर कपिल एंड कंपनी ने हर भारतीय का सीना चौड़ा कर दिया। भरोसा, संसाधन और ना जाने कितनी कवियों के बीच विश्व विजेता बनना उतना आसान नहीं था। आइए एक नजर भारत के विश्व विजेता बनने तक के सफर पर। भारत ने पहले मैच में वेस्टइंडीज को 34 रनों से हराया था। भारत ने दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराया। तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया से 162 रनों से मिली हार। चौथे मैच में वेस्टइंडीज से 66 रनों से हार मिली। पांचवे मैच में जिम्बाब्वे को 31 रनों से हराया। छठवे मैच में ऑस्ट्रेलिया से बदला लिया। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया और फाइनल में वेस्टइंडीज को 43 रनों से हराया। फाइनल मैच में बल्लेबाजी में फ्लॉप होने के बाद अक्सर जब स्कोर कम होता है तो गेंदबाजों के कंधे झुक जाते हैं, लेकिन कपिल देव की उस टीम ने हार नहीं मानी थी। कपिल देव, सुनील गावस्कर, कृष्णामाचारी श्रीकांत, रवि शास्त्री, यशपाल शर्मा, संदीप पाटिल, सैयद किरमानी, बलविंदर संधू, मदन लाल, रोजर बिनी, मोहिंदर अमरनाथ, कीर्ति आजाद, ये वो नाम है जिन्हें पूरा देश कभी भुला नहीं सकता, क्योंकि इस टीम ने दिखा दिया था कि हारी हुई बाजी को कैसे अपने नाम किया जाता है। उस ऐतिहासिक जीत का असर और उसका महत्व बताता है कि आज 4 दशक के बाद भी हम उस जीत को याद कर रहे हैं। 83 की उस जीत ने भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।